तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 करेंगे, ठीक ना। क्लास 10 एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.3 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न में लिखा है, सिद्ध कीजिए कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो इसमें कर्णी 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले मानते हैं, माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। उल्टा माने हैं, ऐसे लिखा है, सिद्ध करना है अपने को कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मानते हैं, सबसे पहले मानेंगे, माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे कर्णी 5 बराबर a बटे b, ठीक ना, a बटे b। तो इसमें a और b क्या है, लिखेंगे यहाँ a एवं b सह अभाज्य संख्या पूर्णांक हैं, ठीक ना, सह अभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक ना। तो सहभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, तो सहभाज्य संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जिनका महसर एक होता है। जैसे अब देखिए, अगर एक एग्जांपल लिया जाए, अगर मैं 24/36 का एग्जांपल लूं, ठीक ना, तो ये देखिए, ये p बटे q के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। कि अगर 24/36 को अगर हम इसको सरल करें, तो इसमें देखिए 24 को अगर मैं 12 से भाग दे दूँ और 36 को 12 से भाग दूँ तो चला जाएगा 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36। मतलब इसमें देखिए 24/36 में 12 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड था इसका। 24 और 36 को अगर 12 से भाग दिया तो देखिए 2 और 3 आया, ठीक ना, मतलब 2/3 प्राप्त हुआ। अगर मैं अब 2 और 3 का महसर ज्ञात करूँ तो देखिए इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं रह गया, इसलिए इसका महसर एक हो गया। इस प्रकार 2 और 3 सह अभाज्य संख्याएं हो गई, ठीक ना। और ये परिमेय संख्या में ये भी है, p बटे q के रूप में लिखा है, और ये भी है, मगर ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये सह अभाज्य संख्या है, ठीक ना। मतलब ये कह सकते हैं कि अब इसमें कोई उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, या कह सकते हैं इसका महसर एक है। तो हमको इस प्रकार की संख्या हमने ये ले लिया, मान लिया कि a और b सहभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक ना। अब इसमें करेंगे इसका तिरछा यहाँ कर लेते हैं, तो जगह कर्णी 5 b बराबर a। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, कर्णी 5 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर करें, कर्णी 5 का स्क्वायर तो 5 हो गया, बी का बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक ना। इस 5 को नीचे पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5। अब देखिए इस से ये समझ में आ रहा है कि ए स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, ठीक ना। ए स्क्वायर कोई भी संख्या अगर यहाँ पर हो है और मान के चलें कि 5 से विभाजित हो रहा है, तो इस ए स्क्वायर को अगर 5 से विभाजित कर रहे हैं तो बी स्क्वायर कुछ प्राप्त हो रहा है हमको। तो इसको लिखेंगे यहाँ, अतः 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक ना। यदि विभाजित करता है इसलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा, ठीक ना। देखिए कैसे लिखा हुआ ये, देखिए अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि 25 का स्क्वायर बटे 5 लिख दें, ठीक ना,
तो देखिए इस रूप में लिखा हुआ है ए स्क्वायर बटे पाँच, ए स्क्वायर बटे पाँच, मतलब ए का मान हमने 25 रख लिया। देखिए ये कट जाएगा, देखिए 25 कूड़े 25 बटे पाँच, पाँच पचे 25, तो 125 आया, ठीक ना। अब जो भी आया ये संख्या, ये कट गया पूरा। अब देखिए इसको मैं काट के देखता हूँ, ठीक ना। तो अगर 25 को भी अगर मैं 5 से विभाजित करूँ तो ये संख्या पूरी तरह कट जाएगी, ठीक ना। मतलब यदि 5 से ए स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो इस ए वाला ए भी 5 से विभाजित होगा। जैसे 25 का स्क्वायर विभाजित हो गया तो हम 25 को भी देखिए 5 से विभाजित कर रहे हैं तो विभाजित हो गया, ठीक ना। ये एक प्रमेय है, तो देखेंगे। अतः हम लिख सकते हैं, अतः हम a बराबर 5 से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक ना। जहां c कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक ना। तो देखिए ये लिखा, देखिए a अगर 5 विभाजित है तो इसका मतलब ये 5 का एक गुणनखंड होगा, ठीक ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, जैसे अगर 25 को अगर मैं 5 से विभाजित कर दूं तो विभाजित हो रहा है, इसका मतलब मैं इसको 5 गुणे 5 बटे 5, देखिए इसमें एक 5 गुणनखंड रहेगा ही। जो संख्या जिस संख्या से कटती है उसका एक गुणनखंड उस संख्या में उपस्थित होता है, ठीक ना। जैसे अगर मैं 36 को 6 से विभाजित करूं, अगर ये विभाजित हो जाता है, ठीक ना, तो देखिए इस 36 का गुणनखंड करूं तो मैं 6 गुणे 6 ये कर सकता हूं। तो देखिए 36 का में एक 6 गुणनखंड जरूर है ये, ठीक ना। इसी प्रकार अगर 24 को मैं 3 से विभाजित करूं तो इसका मतलब ये हो गया 8 × 24 बटे 3। देखिए इस 24 के का एक गुणनखंड 3 जरूर लिखा हुआ है, तो इसलिए ये संख्या 24 3 से विभाजित हो जाती है। अगर इसी प्रकार अगर a 5 से विभाजित हो रही है तो a बराबर 5 c लिख सकते हैं, और c कोई भी पूर्णांक, ठीक ना। अगर मैं यहाँ पे 5c को c बराबर अगर 1 रख लूँ तो 5 एकम 5 बराबर 5, तो 5 से विभाजित हो जाएगा ये। इसी प्रकार c बराबर 2 रख लें तो 5 गुणे 2 बटे 5, देखिए ये भी संख्या 5 से कट गई, 2 आ गया। इसी प्रकार अगर यहाँ पे c का कोई भी मान रख लें हम, तो 5 गुणे जो भी संख्या आई हो वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी ही। इस प्रकार हम लिख सकते हैं a बराबर 5c लिख सकते हैं, जहाँ c कोई पूर्णांक है। अब देखिए a बराबर 5c इस समीकरण में यहाँ रख देते हैं, इसको समीकरण 1 डाल लेते हैं, ठीक ना। तो लिखते हैं a बराबर 5c समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए यहाँ 1 रख लेते हैं, यहाँ पर a का मान, तो लिखते हैं 5b स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो ये आ गया 25 और c स्क्वायर आ गया, ठीक ना। अब 25 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो 5b स्क्वायर बटे 25 बराबर c स्क्वायर। अब देखिए 5 के पाना से कट जाएगा, 5 पचे 25, तो इस प्रकार c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 5 आया। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः देखिए b स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, लिखेंगे 5b स्क्वायर को विभाजित करता है ना। और अगर बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये बी को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा।
ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ हमने प्रूव कर दिया पाँच बी को भी विभाजित कर रहा है और ये पाँच ए को भी विभाजित कर रहा है, ठीक ना। इसका मतलब ए और बी दोनों में पाँच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, ठीक ना। मतलब ये संख्या ए और बी दोनों पाँच से विभाजित हो रही है, ठीक ना। तो इसका मतलब कि ए और बी दोनों में पाँच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तभी वो उससे कट रहा है। जैसे देखिए ऐसे से भी एग्जाम्पल लिया था 24/36, ठीक ना। अगर मैं इसमें उभयनिष्ठ देखे, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 12 का, ठीक ना। इसलिए 12 से दोनों अंश और हर कट रहा था, ठीक ना। तो इसका मतलब ये 24 और 36 में 12 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अगर मैं इसे काटूं तो देखिए कट जाएगा, तो 12 × 24 = 36। तो इसमें हम लिख सकते हैं अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है ना, 5 है। अब देखिए हमने कहा था कि ए और बटे बी एक सह अभास संपूर्णांक है, इसका मतलब इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है या इनका मसह एक है। जिन संख्याओं का मसह एक होता है उनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। तो देखिए यहाँ हमने लिया था कि इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, मगर हमने देखिए यहाँ प्रूव किया कि ए 5 से विभाजित हो रहा है, बी भी 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तो जरूर है इसमें, ठीक ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। फिर परंतु देखिए इसके आगे लिखेंगे, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए एवं बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक ना। हमने ये लेके चला था ए बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मगर परंतु हमको देखिए इसमें ए और बी में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की है या कर ली है कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। ये गलत हमने ले लिया है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। हमने गलत मान लिया, हमने शुरू माना था कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है, इसी गलती के कारण ही ये सब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो ये हो गया। अब इसके आगे लिखेंगे अतः, यहाँ लिख लेते हैं, देखिए इसके बाद लिख लेते हैं, यहीं पर अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है,
ठीक ना। तो इस प्रकार हमने करणी पांच एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया। तो पहला प्रश्न हो गया। अब प्रश्न नंबर दो देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर दो में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि तीन प्लस दो करणी पांच एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें लिखते हैं माना तीन प्लस दो करणी पांच एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। विपरीत मान लेते हैं इसको, तो अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम परिमेय संख्या ले लेते हैं। अब देखिए इसमें लिखते हैं, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं p बटे q के रूप में भी ले सकते हैं। तो लिख सकते हैं a बटे b, और यहां लिखेंगे यहां a और b, a और b सह अभाज्य पूर्णांक लिख देते हैं, पूर्णांक है, ठीक ना। संख्या है वो भी लिख सकते हैं, ठीक ना। सहभाज्य संख्या मतलब जिनका मस एक हो, या इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब लिखते हैं, देखिए इसको इधर पक्षांतक कर लेते हैं, दो प्लस दो करनी पाँच बराबर ए प्लस बी माइनस तीन। तो इसको थोड़ा लघुत्तम ले लें तो हो जाएगा ए माइनस थ्री बी बटे बी। लघुत्तम ले लेते हैं इस प्रकार, दो को नीचे पक्षांतक कर देते हैं। तो लिखते हैं करनी पाँच बराबर ए माइनस थ्री बी बटे टू बी, ठीक ना। तो अब देखिए चूंकि ए बी सब पूर्णांक हैं, चूंकि ए और बी पूर्णांक हैं इसलिए a माइनस थ्री बी बटे टू बी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक। इसलिए करणी पांच भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक ना। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो भी होगा वो भी परिमेय संख्या होगी, ठीक ना। मगर हम जानते हैं कि करणी पांच परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करणी पांच एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। ये इसके विरोध में हो गया। देखिए करणी एक परिमेय संख्या, हमने यहाँ देखिए, इसलिए करणी पांच भी एक परिमेय संख्या होगी, मगर हम जानते हैं कि करणी पांच एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए लिखे हैं परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करणी पांच एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि तीन प्लस दो करणी पांच एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो ये प्रश्न नंबर दो सिद्ध हो गया। अब प्रश्न नंबर तीन का देखते हैं। तो प्रश्न नंबर तीन का पहला देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर तीन का पहला है, में एक बटे करणी दो है, ठीक ना। तो एक बटे करणी दो को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक ना। संख्याएं अपरिमेय करना है तो लिखते हैं, माना एक बटे करणी दो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है,
ठीक ना। तो परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख लेंगे, एक बटे करनी दो बराबर ए बटे बी, जहां ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक या संख्या है, ठीक ना, पूर्णांक हैं, ठीक ना, सहभाज पूर्णांक हैं। अब देखिए इसको लिखेंगे, तिरे गुणा करेंगे तो ए करनी दो बराबर बी आया, ठीक ना, इस प्रकार करनी दो बराबर बी बटे ए आया, ठीक ना। अब चूंकि लिखेंगे, चूंकि ए और बी पूर्णांक हैं, इसलिए बी बटे ए एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए देखिए ये परिमेय संख्या हो गई, तो इसके सामने जो बराबर में है वो भी परिमेय, इसलिए करनी दो भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक ना। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करनी दो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना, इसका उल्टा हो गया। करनी पाँच यहाँ परिमेय भी बोला है, मगर हम जानते हैं कि करनी दो एक यहाँ परिमेय संख्या हो रहा है, मगर हम जानते हैं कि करनी दो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसी का विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक बटे करनी दो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार दूसरा भाग देखते हैं, यहीं पर देखिए इसमें लिखा है सात करनी पाँच, ठीक ना। देखिए यहाँ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना होता है, बाकी सब वही लिखना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए लिखते हैं क्या लिखा है, सात करनी पाँच, ठीक ना, सेकेंड पार्ट है। तो लिखेंगे, माना सात करनी पाँच एक परिमेय संख्या है, ठीक ना, इसका विपरीत माना जाता है, तो क्या हो जाएगा, सात करनी पाँच बराबर ए बटे बी, यहाँ ए और बी सहभाज्य पूर्णांक हैं, तो करनी पाँच कितना आ गया, ए बटे सात बी, ठीक ना। अब देखिए ए और बी पूर्णांक हैं, ठीक ना, पूर्णांक हैं, इसलिए ए बटे सात बी एक परिमेय संख्या होगी, पूर्णांक है तो पी बटे क्यू के रूप में लिखा हुआ है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, इसलिए करनी पाँच भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करनी पाँच एक अपरिमेय संख्या है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि, या जो है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं, कि सात करनी पाँच एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया, ठीक ना, सब वही रखना था, ये लिखना आपको हर जगह है। तो अब देखिए दूसरा हो गया, अब तीसरा भाग देखते हैं इसका। तो तीसरा भाग यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं इसमें, तो देखिए तीसरा भाग में 6 प्लस करनी 2 लिखा है, ठीक ना, तो यहाँ लिखा है, लिखे मान लेते हैं 6 प्लस करनी 2, ठीक ना, 6 प्लस करनी 2 लिखा है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। माना 6 प्लस करनी 2 एक परिमेय संख्या है, इस प्रकार 6 प्लस रूट 2 बराबर a बटे b लिख लिया, 6 को पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा करनी 2 बराबर
ए बटे बी माइनस छः। इसका लघुत्तम ले लेते हैं तो करणी दो बराबर ए माइनस सिक्स बी बटे बी प्राप्त हुआ। अब चूंकि ए और बी पूर्णांक है इसलिए ये जी ये देखिए पूरा आया ना, इसको लिख लेंगे यहाँ पर ए माइनस सिक्स बी बटे बी एक परिमेय संख्या हो गई। अब चूंकि ये परिमेय संख्या है तो करणी दो भी एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए करणी दो भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करणी दो एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सिक्स प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है ना। क्वेश्चन नंबर टू का ये थर्ड हो गया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर दो हो गया। ये प्रश्न नंबर तीन का ही था, प्रश्न नंबर तीन का ये थर्ड हो गया, ठीक ना। प्रश्न नंबर तीन का ये दूसरा था, तो प्रश्न नंबर तीन का दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हो गई।